आज हम लाइब्रेरी साइंस में, आज हमारा टॉपिक है आईएसबीएन। आईएसबीएन के बारे में हम पढ़ेंगे कि आईएसबीएन की सर्वप्रथम आईएसबीएन कब प्रारंभ हुआ, किसके द्वारा आईएसबीएन की शुरुआत की गई। ठीक है, आईएसबीएन पहले कितने डिजिट का था, प्रेजेंट में कितने डिजिट का है, उसके अलावा पहले कितने भागों में डिवाइड था, वर्तमान में कितने भागों में डिवाइड है, उसके अलावा भारत की बात करें, अगर हम भारत के संदर्भ में, तो भारत में आईएसबीएन की स्थापना कब से हुई, भारत में कब से आईएसबीएन प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा भारत में जो आईएसबीएन प्रदान करती है वो एजेंसी कौन सी है, उस एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि आईएसबीएन क्या है। तो आईएसबीएन क्या है कि पुस्तकों को प्रदान की जाने वाली विशिष्ट पहचान संख्या है। ठीक है, आईएसबीएन पुस्तकों को प्रदान की जाने वाली विशिष्ट पहचान संख्या है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम कि आईएसबीएन की शुरुआत कब हुई, तो सबसे पहले ये आईएसबीएन मतलब डेविड को सबसे पहले क्या है, फेडरिक गोर्डन फोस्टर के द्वारा 9 डिजिट के नंबर था, उसका नाम था एसबीएन। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले एक नंबर था आईएसबीएन, और एसबीएन की शुरुआत फेडरिक गोर्डन फोस्टर के द्वारा 9 डिजिट के एसबीएन नंबर की शुरुआत की गई, और उन्होंने इसकी शुरुआत 1960 में की। ठीक है, 1960 में की। उसके बाद में यूके मतलब यूके में सर्वप्रथम आईएसबीएन स्टार्ट हुआ। ठीक है, आईएसबीएन का प्रारंभ सर्वप्रथम यूके में डेविड व्हिटेकर के द्वारा सर्वप्रथम यूके में आईएसबीएन का प्रारंभ किया गया, और उन्होंने आईएसबीएन की शुरुआत की। आईएसबीएन के क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया, इसलिए डेविड व्हिटेकर को फादर ऑफ आईएसबीएन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ आईएसबीएन किसे कहा जाता है, तो डेविड व्हिटेकर ने सबसे पहले 1967 में यूके में आईएसबीएन की शुरुआत की। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े तो देखो, उसके बाद में अगर अमेरिका के संदर्भ में हम बात करते हैं, तो अमेरिका में आईएसबीएन की शुरुआत 1968 में हुई है। और अमेरिका में आईएसबीएन की शुरुआत एमरी कोल्टे के द्वारा की गई। ठीक है, अमेरिका में एमरी कोल्टे के द्वारा आईएसबीएन की शुरुआत की गई। उसके बाद में फिर एक संस्था है आईएसओ, आईएसओ को बना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 10 अंकों का आईएसबीएन जो 1970 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, आईएसओ के द्वारा 10 अंकों का आईएसबीएन नंबर प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, और आईएसओ ने जो 10 अंकों का आईएसबीएन प्रारंभ किया, उसका मानक था आईएसओ 2108 के तहत एक अंतरराष्ट्रीय मानक के तहत आईएसओ के द्वारा 10 अंकों का आईएसबीएन नंबर प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो सर्वप्रथम अगर आपके पास आए कि सर्वप्रथम एसबीएन का आविष्कार किसने किया, तो फेडरिक गोर्डन फोस्टर ने एसबीएन नंबर स्टार्ट किया पुस्तकों के लिए 1960 में, और वो 9 डिजिट का होता था। उसके बाद में डेविड व्हिटेकर ने आईएसबीएन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, और उन्हें आईएसबीएन का पिता भी कहा जाता है, और उन्होंने डेविड व्हिटेकर ने आईएसबीएन की शुरुआत 1967 में यूके में 1967 में आईएसबीएन की शुरुआत की। उसके बाद अगर हम अमेरिका के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो अमेरिका में एमरी कोल्टे के द्वारा 1968 में आईएसबीएन नंबर प्रारंभ हुआ। ठीक है, जब आई और 10 अंकों के आईएसबीएन की बात करें कि 10 अंकों का आईएसबीएन नंबर किसने शुरू किया, तो आईएसओ के द्वारा 10 अंकों के आईएसबीएन नंबर को प्रारंभ किया गया 1970 में। उसका अंतरराष्ट्रीय मानक पूछा जाए आपको कि आईएसओ के द्वारा आईएसबीएन की शुरुआत किस मानक के तहत की गई, तो वो मानक है आईएसओ 2108 के तहत आईएसओ के द्वारा आईएसबीएन नंबर प्रारंभ किया। उसके बाद में 1 जनवरी 2007 से हमारा जो आईएसबीएन है, 1 जनवरी 2007 से आईएसबीएन, पहले आईएसबीएन 10 डिजिट का था और वो 4 भागों में डिवाइड था। वर्तमान में 1 जनवरी 2007 से आईएसबीएन क्या है, 13 डिजिट का आईएसबीएन आ रहा है, जो 5 भागों में डिवाइड है। ठीक है, 5 भागों में डिवाइड है। तो देखो, 1 जनवरी 2007 से आईएसबीएन 13 अंकों का हो गया है, और पहले 4 भागों में डिवाइड था, जब 10 डिजिट का था तो 4 भागों में डिवाइड था, वर्तमान में ये 13 अंकों का हो गया तो 5 भागों में डिवाइड है। अब बात करते हैं इसके 5 भाग कि आईएसबीएन जो वर्तमान में 5 भागों में डिवाइड है, तो उसके 5 भाग कौन कौन से हैं। तो देखो, पहला भाग तो होता है ईएएन यानी यूरोपियन आर्टिकल नंबर से। ठीक है,
दूसरा भाग होता है राष्ट्रीय भाषा या भौगोलिक क्षेत्र से, ठीक है। तीसरा भाग होता है, होता है प्रकाशक से, तीसरा भाग प्रकाशक से। चौथा होता है टाइटल से या एडिशन से। और इसकी जो अंतिम संख्या होती है, अंतिम पांचवा भाग, एक संख्या होती है अंतिम पांचवा भाग, और वो होता है जांच नंबर, यानी चेक डिजिट से संबंधित होता है, ठीक है। और इसका जो अंतिम पांचवा भाग होता है वो पुस्तकीय जांच से संबंधित होता है, और उसमें जीरो से लेकर नौ तक का कोई भी अंक हो सकता है उसमें, ठीक है। जीरो से नौ तक का कोई भी अंक हो सकता है उसमें, ठीक है। इसका जो पांचवा भाग है, अब बात करें हम विशेष रूप से भारत के संदर्भ में। तो अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें कि आपके पास क्वेश्चन है कि भारत में आईएसबीएन का प्रारंभ कब हुआ, ठीक है, तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो देखो, भारत में आईएसबीएन की शुरुआत 1985 में हुई है सर्वप्रथम। सर्वप्रथम भारत में आईएसबीएन का प्रारंभ 1985 में हुआ है। और भारत में जो आईएसबीएन प्रदान करने वाली जो संस्था है, उस संस्था है राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर आईएसबीएन, राजा राम मोहन राय, ठीक है। भारत में अगर आपको पूछा जाए तो भारत में 1985 में आईएसबीएन की शुरुआत हुई है, ठीक है। और भारत में आईएसबीएन प्रदान करने वाली संस्था अगर आपको पूछते हैं तो RRLF, ठीक है, RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, नेशनल एजेंसी फॉर आईएसबीएन, ठीक है। नेशनल एजेंसी फॉर आईएसबीएन जो है भारत में आईएसबीएन प्रदान करने वाली संस्था है। और ये जो संस्था ना, राजा राम मोहन राय फाउंडेशन, नेशनल एजेंसी फॉर आईएसबीएन, जिसका पहले मुख्यालय कलकत्ता में था और 2011 में इसके मुख्यालय को दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया है, ठीक है। 2011 में इसका मुख्यालय दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि भारत में आईएसबीएन प्रदान करने वाली जो संस्था है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुख्यालय दिल्ली में। वर्तमान में भारत में जो आईएसबीएन प्रदान करने वाली जो संस्था है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन नेशनल फॉर एजेंसी आईएसबीएन, उसका मुख्यालय दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया है, ठीक है। ये तो हमारा हुआ। अब हम बात करते हैं कि भारत में क्या है कि आईएसबीएन प्रदान करने के लिए एक योजना भी चलाएगी, आईएसबीएन पोर्टल योजना, ठीक है। आईएसबीएन पोर्टल योजना की शुरुआत 2016 में हमारी मानव संसाधन विकास मंत्री जो थी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा 2016 में आईएसबीएन पोर्टल योजना प्रारंभ की गई, ठीक है। और उसके अलावा हमारी ये आईएसबीएन जो प्रदान करती है उसका मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है। और अगर आपको पूछे कि आईएसबीएन पोर्टल योजना कब प्रारंभ हुई, तो 2016 में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा आईएसबीएन प्रदान करने वाली योजना शुरू की गई, आईएसबीएन पोर्टल योजना। और हमारे भारत में जो ये मतलब कि राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन जो आईएसबीएन प्रदान करने वाली एजेंसी है, ये किसके अधीन कार्य करती है, तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन ही कार्य करती है और इसका मुख्यालय दिल्ली में। तो ये हमारा आईएसबीएन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपके एनवीएस डीएसएसपी केवीएस, उसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान में विशेष रूप से सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में, अगर आपका आईएसबीएन संबंधी कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस मेरे जो प्राइवेट टॉपिक है इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आईएसबीएन पर जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दिए, ठीक है। अगर आपका मतलब सारा इससे जितना भी आपके क्वेश्चन आएंगे सारे टॉपिक मतलब आईएसबीएन संबंधी सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करके हमें जरूर बताएं। तो ये आज हमारा टॉपिक कम्प्लीट हो गया। अगला वीडियो नेक्स्ट।